हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। में दोस्त, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गुजरात आने में और यहाँ रहने खाने में कितना खर्चा होता है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको हो सकता है ये डाउट रहेगा कि आपको यहाँ कितना खर्चा होता है, रहने में रूम मिल जाता है कि नहीं, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं इसी टाइप का जो है वीडियोज़ बनाता हूँ, गुजरात का टॉपिक है, जैसे कि जॉब से रिलेटेड, कोई इंडस्ट्री विजिट करने जा रहे हो उससे रिलेटेड, या फिर कोई इंडस्ट्रियल टॉपिक है तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो आपको अगर कोई क्यूरीज रहेगा मेरे वीडियो में तो आप मेरे को जो कमेंट कर सकते हैं, और इसी टाइप के वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर देख सकते हैं, आपको आसानी रहेगा, आपको हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मैं अभी आपको जो है वो बताना चालू करता हूँ। गाइस, मैं जो है झारखंड धनबाद से बिलोंग करता हूँ, तो आप भी कहीं अगर यूपी से है, बिहार से है, या फिर आप बंगाल से है, जो कि ज़्यादातर गुजरात में इन्हीं तीन चार राज्य के जो है वो बंदे रहते हैं, आते हैं, तो वहाँ के आने के लिए दोस्त आपको जो है वो ट्रेन का टिकट जो है वो 700-600 डिपेंड करता है आपका कितना डिस्टेंस है, तो 600-700 रहता है। उसके बाद जैसे आप यहाँ अहमदाबाद स्टेशन पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो है आपका गवर्नमेंट बस चलती है गुजरात में, जो कि बहुत ही कम भाड़ा रहता है, किराया बहुत कम रहता है, और आपको गवर्नमेंट बस में ही आपको जो है वो भाड़ा आपका जो है वो तय करना है, अपना जहाँ भी जा रहे हैं ट्रेवलिंग करना है गवर्नमेंट बस पे। तो आप अगर पहली बार आ रहे हैं गुजरात तो सबसे पहले तो आप अहमदाबाद स्टेशन में आकर आपको पहले सबसे पहले बाहर निकल जाना है, क्योंकि यहाँ के ऑटो वाले सही नहीं रहते हैं, पकड़ पकड़ के बैठा देते हैं, एक डेढ़ किलोमीटर लेके जाता है और 50-60 रुपया 100 रुपया ले लेता है। तो आपको सीधे जो डायरेक्ट बाहर निकल जाना है, वहाँ से आपको 10 रुपया ले गीता मंदिर बस स्टैंड जाना है, और उसके बाद आप जो है जहाँ भी आप जाना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई सानंद आ रहा है, कोई बेचरा जी आ रहा है, कोई राजकोट आ रहा है, कोई कच्छ आ रहा है, कोई जामनगर जा रहा है, तो डिपेंड करता है आप जहाँ भी जा रहे हैं, आप गीता मंदिर बस स्टैंड से अपना बस ले लें। बात करते हैं रहने और खाने की, तो आपको जो है जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पे आपको इजीली रूम मिल जाएगा, आपको थोड़ा दोस्त से बात करना होगा या फिर जो भी बंदा काम कर रहा होगा उससे थोड़ा बात करना होगा। सबसे पहले तो आपको ही थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना होगा कि आप किसी नया बंदे से कैसे बात करते हैं, आप उससे कैसे बात ले सकते हैं, किससे सहायता आपको मिल सकती है, तो आपको उसके अनुसार बात करनी होती है। तो यहाँ बेसिकली रहने का जो है, आप अगर इंडिविजुअल रूम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है रूम 1500 के रेंज में आपको जो है वो रूम मिल जाएगी। आप देख सकते हैं एक बार रूम, यहाँ पे हर जगह आपको रूम ही रूम दिख रहा होगा, यहाँ पे जितना भी है ये सारा जो है एक बंदा का जो है वो रूम आपको जो है वो 1200-1500 में जो है रूम मिल जाता है। एक बंदा में चार बंदे रहता है, तीन चार बंदे, तो एक रूम का 5000 रुपया लगता है, तो आपको हार्डली 1200-1500 में आपको रूम मिल जाएगी। और रहने की खाने की अगर बात करें तो दोस्त, आपको अगर रूम में अगर खाना वाना बन रहा है तो देन ओके, आपको 1000 रुपया में इनफ है, एक महीना का आपको खाना पीना में हो जाता है। और अगर आपको होटल से खा रहे हैं तो ज़्यादा दिन तो होटल में नहीं खा सकते, क्योंकि हर दिन 50-60 रुपया एक टाइम का लगेगा, तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो 2-4 दिन के लिए आप खा सकते हैं जब तक एडजस्टमेंट ना हो, फिर एडजस्टमेंट हो ही जाता है आपका, अगर कहीं रूम पार्टनर ऐसा मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए। तो बेसिकली आपका जो है वो रहने खाने का आपको 3000 रुपया जो है वो पड़ जाता है, 3000 रुपया हो जाता है, इतना आपके लिए इनफ है। उसके बाद आप जो भी कमाते हैं वो आपका सेविंग हो जाता है, आप घर पे भेज सकते हैं, कोई आप कुछ भी आप खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, घर पे भेज सकते हैं, जो आपका जरूरत है उसके अनुसार कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि आपको कैसे यहाँ पर होता है, कितना खाने पीने का खर्चा होता है। तो गाइस, इसी तरह का मैं वीडियो बनाता, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं गुजरात से जॉब से रिलेटेड जो वीडियो बनाता हूँ। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।